कि अल्लाह मुख्तलिफ इम्तिहानात के जरिए से हर मोमिन की आजमाइश करता और उसके साथ साथ फिर हमें उस इम्तिहान से निकलने के भी बहुत से तरीके बताता, आजमाइश भी वही करता और हमारे निकलने का तरीका भी वही बताता। बाज औकात कंफ्यूज हो जाता है मोमिन कि यही अल्लाह हमें रिस्क से महरूम करके हमारी भूख का इम्तिहान ले रहा और यही अल्लाह कहता है कि रिस्क में बरकत चाहिए तो ये दुआ पढ़ लो या ये अमल कर लो। अगर अल्लाह हमारे मसले को हल करना चाहता है तो इम्तिहान ले ही क्यों रहा। एक हदीस मासूम में इसका एक मुख्तसर सा जवाब और वो ये कि बाज औकात आजमाइश वो होती ही नहीं है जो तुमको नजर आ रही। तुम समझ रहे हो कि मेरी अच्छी भली नौकरी छूट गई और मैं रिस्क के प्रॉब्लम में मुब्तला हो गया, तो तुमने कहा कि फिर इस वक्त दुआएं रिस्क पढ़ने से फायदा क्या है, क्योंकि ये इम्तिहान तो अल्लाह ने लिया। इसका मतलब ये कि अल्लाह इस वक्त मुझे भूखा देखना चाहता, ठीक, जब वो खुद अल्लाह ये चाहता तो इस वक्त फिलहाल दुआएं रिस्क पढ़ना बेकार। इमाम ने कहा नहीं, असल मसला ये नहीं, असल मसला यह है कि तुम्हारे रिस्क को बंद किया गया। बहुत से लफ्ज मैं ऐसे इस्तेमाल कर रहा हूं जो रिवायतों के एतबार से मुनासिब नहीं, क्योंकि रिस्क किसी का बंद नहीं होता, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो लफ्ज जहन में आ रहा है वो मैं उगल रहा हूं। कि इमाम फरमाते कि तुमने ये सोचा कि अल्लाह ने रिस्क का दरवाजा बंद किया, इसका मतलब यह है कि उसकी मसलहत यह है कि हमारे घर में फाकया, इसलिए तुम चुपचाप बैठ गए, यह मकसद है। अल्लाह रिस्क को इसलिए बंद नहीं कर रहा है कि तुम्हारे घर से रिस्क को दूर करना चाहता, वो ये देखना चाहता कि ऐसा तो नहीं कि रिस्क की वजह से घबरा के तुम हराम रास्ते में कदम बढ़ाओ। इम्तिहान तुम्हारे हलाल और हराम का रिस्क नहीं, चुनाचे उसने रास्ता खुला भी रखा कि मैंने तुम्हारा रिस्क बंद किया, मसलन नौकरी छूट गई, मसलन कारोबार फेल हो गया, मसलन शेयर मार्केट एकदम से जमीन पर गिर पड़ी धड़ाम से और तुम्हारी सारी जिंदगी की कमाई गई। तुमने सोचा कि सब अल्लाह का इम्तिहान, क्या फायदा तुम्हारे रिस्क से, क्या फायदा रिस्क का अमल करने से। नहीं, अल्लाह ने रिस्क बंद ही नहीं किया, वो रास्ता खोल रहा, ये दुआ पढ़ लो वो अमल कर। देखना यह है कि इस दौरान परेशानी से घबरा कर कहीं कोई हराम तो तुमसे नहीं हो रहा, कहीं कोई गुनाह तो नहीं हो रहा। इम्तिहान हराम का लेना है, रिस्क नहीं लेना, इसीलिए इधर रास्ता बनकर के उधर से निकलने का रास्ता बनाया। सेहत का मसला और बहुत सारे मसाले, तो ये इम्तिहान तो हर मोमिन की जिंदगी में आते रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि एक मोमिन की जिंदगी में सबसे बड़ा इम्तिहान किसे कहा जाए, किसे कहा जाए सबसे बड़ी आजमाइश। अच्छा, इसके बारे में हम आम लोगों से तो नहीं पूछ सकते, वजह क्या, हम लोग हैं बेसब्रे, जलूमन जहूला कुरान ने हमारे बारे में कहा, हम जाहिल ना समझ, हमें अपनी हर परेशानी बड़ी लगती है और दूसरे की हर परेशानी छोटी लगती है। जो मसला बहुत मशहूर मुहावरा है लेकिन बयान करने को दिल नहीं जा रहा, औलाद हमेशा अपनी अच्छी लगती है, बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, लेकिन खैर वो एक अलग मसला है, इस पर आइंदा गुफ्तगू होगी। तो परेशानी में भी, परेशानी में भी वही, जो औलाद और बीवी का मुआवजा इंग्लिश के एक मुहावरे में किया गया, वो मुहावरा इस्लाम के एतबार से परेशानी और ऐब का है। ऐब और परेशानी में यही रेशो, अपनी छोटी से छोटी परेशानी हमें इतनी बड़ी लगेगी जैसे कयामत आ गई, अब दूसरे की बड़ी से बड़ी परेशानी वो मर रहा हो, हमें लगेगा जैसे कुछ है ही नहीं, तो बिला वजह शोर मचा रहा। और ऐब में हमेशा उल्टा, अपना बड़े से बड़ा ऐब छोटा नजर आता है, हमने किया ही क्या, और दूसरे का छोटा सा ऐब इतना बड़ा नजर आ जाता है। तो अब जब हमारा मिजाज ये कि हमारे ख्याल में जो परेशानी हम पर आई है वो किसी पे नहीं आई, हमारे घर में अगर एक दिन पानी ना आए तो हम समझेंगे यही कयामत हो गई, आज तक अल्लाह ने इतना बड़ा इम्तिहान तो किसी का लिया ही नहीं होगा, तो हम लोगों से पूछना तो बेकार है कि बड़ी परेशानी क्या, उससे क्यों ना पूछो कि जिससे बड़ा साबिर कायनात की तारीख में गुजर ही नहीं, वो बता सकता है कि वो किस इम्तिहान को सबसे बड़ा इम्तिहान समझ रहा। ऐ हुसैन मजलूम, ऐ सरदार ऐ शहदा, ऐ सब्र करने वालों के सैयद, आपने तो सारे इम्तिहान दिए, आप बताइए कि सबसे बड़ा इम्तिहान क्या। फाके का इम्तिहान भी दिया, फाका तीन दिन का फाका, गरीबुल वतनी का इम्तिहान भी दिया, घर वालों से जुदाई का इम्तिहान भी दिया, आप सबसे बड़ा इम्तिहान किसे समझ रहे हैं।
सरदार शहदा सैयद साबिरीन से बेहतर फैसला कौन करे। वो एक जुमला मंजिल मसाइब का जुमला है, लेकिन उसमें एक पैगाम भी छुपा। अकबर मक्तल की जानिब जा रहे, ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा। मुड़ के देखा तो देखा कि मेरे बूढ़े बाबा पैदल मेरी सवारी के पीछे पीछे चलने का इरादा किया, पैदल चले आ रहे। एक मर्तबा कहा, बाबा आप इतनी जहमत क्यों कर रहे? हुसैन का जवाब सुन, अकबर तुम्हारा कोई अकबर जैसा जवान बेटा नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम कि बूढ़े बाप के दिल पे इस वक्त क्या कयामत गुजर रही। सरदार शहदा ने बताया, बाप के लिए औलाद का इम्तिहान सबसे बड़ा इम्तिहान, और इसीलिए परवरदिगार ने जब इब्राहिम के सारे इम्तिहान ले लिए तो आखिरी इम्तिहान औलाद ही का रखा। तो उधर नस्य कुरानी, इधर अमल मासूम, सकलैन जमा हो गए इस बात पर कि औलाद के इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं। और रिवायतों में ये कि अल्लाह काफिर का इम्तिहान हमेशा छोटा लेता है, मोमिन का इम्तिहान हमेशा बड़ा रहता है। चुनाचे मोमिन औलाद के इम्तिहान से गुजरे। अब इस इम्तिहान के कई तरीके, कभी ये इम्तिहान इस तरह होता कि मोमिन को औलाद मिलती ही नहीं, जिसको औलाद ना मिले पूछिए कैसा तड़पता है। कभी ये इम्तिहान जो खालिसतन हिंदुस्तानी माहौल में, वो ये होता है कि लड़कियां हैं लड़का नहीं। अगरचे कुरान इसकी मदम्मत कर रहा, कहता है उन लोगों की हालत देखो कि वईजा बुशरा, जब उनको ये खबर दी जाती है तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई, जल्ला वजहू मुसवद्दा, उसका चेहरा सिया पड़ जाता है बेटी का नाम सुनकर। लेकिन हमारे माशरे में यह भी एक बड़ा इम्तिहान, कभी औलाद का इम्तिहान इस तरह होता कि बेटी है और शादी नहीं हो रही, कभी औलाद का इम्तिहान इस तरह होता है कि शादी शुदा बेटी मगर जहां जाके फंस गई है उस ससुराल में, उस पर बेइंतहा मजालिम जुल्म उस पर होंगे, तड़पेगी उसकी मां। कभी औलाद का इम्तिहान इस तरह होता है कि बेटा मर रहा और बाप और मां उसको बचा नहीं पा रहे। बाबर ने हिमायों के बिस्तर का तवाफ कर खुदा से दुआ मांगी ना, क्या है खुदा अगर तुझे मौत एक जिंदगी चाहिए तो मेरी जिंदगी ले ले, ये जिंदगी छोड़ दो। कभी औलाद का इम्तिहान ये होता कि औलाद किसी जालिम के चुंगल में फंस गई या जालिम उसके पीछे लगा है, कैसे उसको बचा। और कभी औलाद का एक और इम्तिहान होता है जो बड़ा सख्त, कोई परेशानी नहीं है औलाद को लेकर इतना बेदीन और गुमराह बन गया कि मां और बाप एक तरफ जब उसकी गुमराही को देखते हैं तो दिल चाहता है काश ये औलाद न हुई होती, मगर दूसरी जानिब है तो इन्हीं के जिगर का टुकड़ा ना। जब उसकी ये हालत देखते हैं तो तड़प तड़प के सोचते हैं खुदा किसी तरह इसे नेक हिदायत दे और सही रास्ता दिखा। ये भी एक इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान, जहां बेटे के पास पैसे की कमी नहीं, जहां बेटे के पास दुनियावी सहूलतों की कमी नहीं, लेकिन बाप उसके शराब को देखता, बाप उसके तर्के नमाज को देखता, बाप उसके अहकाम दीन का मजाक उड़ाने को देखता। किसी और का होता तो बाप कहता मर जाए ऐसा बेदी, अपना बेटा ये भी नहीं कह सकता और हालत बर्दाश्त भी नहीं। ये सारे औलाद के इम्तिहान, और पूरे साल, पूरा साल अव्वले मुहर्रम से आखिरे ज़िलहिज, जो हमारे यहां साल, एक ऐसी तारीख आती है जिसे खास औलाद का मसला हल करने की तारीख खुदा ने बना दिया, और वो तारीख है रजब की 13, रजब की 14 और रजब की 15। आइंदा दर्स हमारा होता 15 रजब, तब तो ये तारीखें निकल चुकी होती। 13, 14 और 15 रजब, अमले उम्मे दाऊद, माह रजब का रिवायतों में एक नाम है असब, हम तो कहते हैं रजबुल मुरज्जब, मासूम कहते हैं रजबुल असब। रावी ने पूछा मौला ये असब क्या है, अलिफ स्वाद और बे, मौला ये असब क्या? इमाम ने कहा ये रजब का वो नाम जो आसमानों पे मशहूर, दो नाम हो गए रजब, एक नाम जो जमीन पे मशहूर, एक नाम जो आसमानों पे मशहूर। का मौला लेकिन ये नाम अल्लाह ने रखा क्यों? रावी है अरबी जबान जानने वाला, अरबी में सब्बा या सुब्बो असब के माने कोई चीज उंडेलना, उंडेलना। तो कहा मौला ये तो बड़ा अजीब नाम है, रजब का मतलब उंडेलना, क्या उंडेलना? कहा इसलिए कि बाकी महीनों अल्लाह की रहमत थोड़ी थोड़ी मिलती, माह रजब में रहमत उंडेली जाती है अल्लाह के बंदों पर। देखिए लफ्ज उंडेलना, मुझे नहीं मालूम कैसे गुजराती में या इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं महसूस कर रहा हूं बहुत से लोग समझे ही नहीं उंडेलना किसे कहते हैं, लेकिन
उर्दू जबान में उंडेलने के साथ मफहूम आता है कसरत का, छोटी मोटी चीजें उंडेली आती है, उंडेला यानी पूरी बाल्टी उंडेली, टंकी उंडेली। रजब का महीना है, खुदा रहमत उंडेलता है, रहमत की बाल्टियां, रहमत के कनस्तर, रहमत की टंकियां हम पे डाली जा रही है, इसलिए इस महीने का नाम हो गया रहमत डालने का महीना। अजब रहमत आ रही, तो सबसे बड़ी रहमत बाप के लिए यह है, माँ के लिए यह है कि उसकी औलाद की परेशानी दूर हो। माह रजब की 13, 14 और 15 खास मेरे पास ख्वाहिश है कि आपने पिछले साल ये बताया था, इस साल भी बताइए। पिछले साल कराची के कुछ इलाकों कुछ वालिदैन अपनी औलाद के इस मसले में परेशान थे कि उनकी औलाद के पीछे कुछ जालिम लगे थे, कुछ सियासी मसाइल, कुछ ताकतवर लोग लगे थे, हुकूमतें पीछे थी, अब बज़ाहिर बचने का कोई इम्कान नहीं था। अमले उम्मे दाऊद, असल में उन्होंने मुझे याद दिलाया, इस साल जो 5 नवंबर का वाकया पेश आया तो उस वक्त तक रजब शुरू नहीं हुआ था। उन वालिदैन ने मुझसे राब्ता कायम किया और कहा मौलाना आपने मिंबर पर यह पढ़ दिया था, हमने इस पर अमल किया और एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ, दूसरा रजब शुरू नहीं हुआ और मसला इस तरह हल हुआ कि हमको खुद यकीन नहीं आ रहा। पिछले साल हम सोच भी नहीं सकते थे कि हालात इस तरह बदलेंगे और इस तरह बदल गए। इस साल भी आप जहां जहां लोगों को जरा याद दिला दीजिए, शायद किसी बूढ़े बाप या बूढ़ी मां की दुआ आपको मिल जाए। बाकायदा इस जुमलों के साथ मुझसे बात की थी उन लोगों ने जो उन इलाकों में रहते हैं जहां ये मसला था। लेकिन बात सिर्फ ये कि ये अमल इतना मशहूर हो गया कि मैं इसकी तफसीर में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ याद दिलाने के लिए मैंने ये कहा। 13, 14 और 15 रजब, यकीनन बाद लोगों ने जब मफातीहुल जिना में ये अमल पढ़ा तो घबरा गए कि तो बहुत मुश्किल अमल, 3 तो रोजे रखना पड़ते और इतने कुरान के सूरे पढ़ना पड़ते। बात भी सही भाई, जितना बड़ा मरज होगा उतनी बड़ी सर्जरी या ऑपरेशन चाहिए होगा। अब अगर वाकान इतना बड़ा मसला है तभी इस अमल को आपको अंजाम देना, छोटे मोटे मसले के लिए नहीं। ये अमल उम्मे दाऊद है क्या? अमल की तारीख यह है कि इमाम हसन के एक पोते हैं जिनका नाम दाऊद है और ये पोते जनाबे हसन मुसन्ना के फर्जंद, हसन मुसन्ना इमाम हसन के वो बेटे जिनसे हुसैन बहुत मोहब्बत करते थे। इमाम हुसैन को अपने बड़े भाई की औलाद में हसन मुसन्ना से बहुत मोहब्बत, उस वक्त तक तो जनाबे कासिम पैदा भी नहीं हुए, और इतनी मोहब्बत कि जब हुसैन की पहली बेटी जवान हुई शादी के काबिल फातिमा कुबरा, जिनके बारे में हुसैन कहते थे मुझे अपनी कुबरा बेटी से अपनी माँ जहरा की याद आती और इसके जिस्म से वो खुशबू बुलंद होती है जो मेरी माँ फातिमा जहरा के जिस्म की खुशबू, तो जब जनाब फातिमा कुबरा जवान हूं तो खास ये जुमला कहा अपने भतीजे हसन मुसन्ना कि बेटा हसन मुसन्ना मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत कि मेरी फातिमा कुबरा के लिए तेरे सिवा मुझे कोई अहल नजर नहीं आता। खुसूसी जुमले इरशाद फरमा के ये शादी की थी। इन्हीं हसन मुसन्ना की दूसरी बीवियां भी थी, तो दाऊद हसन मुसन्ना के बेटे हैं मगर दूसरी बीवी से, फातिमा कुबरा से नहीं। ये दाऊद उस वक्त गिरफ्तार हुए जब मंसूर दवानकी ने एक मरतबा सादात मदीना पर हमला किया, बगदाद की दीवार भी बनाना और नफ्से जकिया का वाकया भी चल रहा, तो बाकायदा एक ऑपरेशन क्लीनअप किया गया जो भी आप कही सादात कराम के खिलाफ, और सारे सादात को गिरफ्तार कर लिया कसूरवार या बेकसूर। ये लफ्ज कसूरवार भी मैं उनके हिसाब से कह रहा हूं, इस्लाम के हिसाब से नहीं। जिन लोगों मंसूर की जालिम हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल के एहतजाज किया था वो भी पकड़े गए, और जो बेचारे घर में बैठे थे वो भी पकड़े गए, और मंसूर वो जालिम कि जिसके हाथ से कोई सैयद बच के नहीं आया, क्योंकि जिस वक्त बगदाद की दीवार तामीर हो रही थी तो मंसूर का तरीका ये था कि बिल्डिंग मटेरियल गारे में पानी के बदले सादात का खून डालता था। तो अब होता यह था कि पता चला कि रोजाना इतनी दीवार बनाना है 10 फीट की, 50 सादात का खून चाहिए। अब इस आज 50 लाए, रोजाना सुबह को जेल से 50 लाए जाते हैं, शाम को ठेकेदार या कॉन्ट्रेक्टर ने इत्तला दी कि भाई 48 सादात के खून से आज का काम हो गया, 2 बच गए। मंसूर कहता है इनको वापस न ले जाओ, जो हमने जेल से निकाल लिए मारने के लिए अब इनको मार ही दो, इसको वापस नहीं लेना। जैसे हम लोग नेकी के कामों में बाज़ औक़ात कहते हैं, नेकी के काम मस्जिद बन रही 10,000 दे दिया, पता चला अगर कहीं इतने शरीफ ट्रस्टी हूं कि 9,000 में काम हो गया 1,000 बच गया, हमने कहा मैं वापस नहीं जाइए, लगा दें किसी और नेकी के काम। बहुत ऐसा बहुत होता,
कि लोगों ने कहा मसलन हमारी तरफ से एक बकरा जबा कर दे। इराक में सैयद मोहम्मद पे बहुत ही नजर होती है। अब हम लेके गए एहतियातन 500 रुपए 400 में बकरा मिल गए। जिसके पैसे थे उसने कहा मुझे वापस ना करे, दे दिए नेकी के काम में, आप कहीं और खर्च कर। तो मंसूर क्या कह रहा, 50 सैयद मैंने निकाले थे कि आज इनको मारना, अगर 48 से काम हो गया तो दो वापिस ना करो, जो मैंने नियत की वो पूरी होनी चाहिए, इन्हें इसी तरह जिंदा खड़ा करके चुन दो दीवार के अंदर। ऐसा तो जालिम, सादाते कराम की कुर्बानियां, ऐसा तो जालिम। चुनाचे जो इसके हाथ में गया समझ लिया उसके घर वालों ने कि वापिस नहीं आए। रजब का महीना, छठे इमाम बीमार पड़ गए, खानदान वाले मिजाज कुर्सी और आयादत के लिए आने लगे। जनाबे दाऊद की वालिदा यानी हसन मुसन्ना की दूसरी बीवी, जिन्होंने बचपने में छठे इमाम को पाला भी था, वो भी आती हैं इमाम की आयादत मिजाज कुर्सी के। एक मर्तबा इमाम ने कहा क्या है मादरे दाऊद, खैरियत तो है सब, बस एक गमजदा मां जिसका दिल दुखा है, जिसका जवान बेटा पकड़ा गया और ऐसे जालिम के पास के वापिस आने का इम्कान नहीं। बेअख्तियार आंखों से आंसू जारी हो, कहा फर्जंद मेरा बेटा दाऊद ऐसे जालिम की कैद में गया, मैं परेशान। इमाम ने कहा परेशान क्यों, मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं और इस अमल को करना तो मेरे जद रसूल खुदा तुम्हारे बेटे की रिहाई का इंतजाम करेंगे। जुमले पे गौर कीजिए और वाकये का आखिर सुनिए। लेकिन 3 दिन रोजा रखना, जिमनन बता दू जिन पर कजा रोजा है वो सुन्नत रोजा नहीं रख सकते, लेकिन अमल उम्मे दाऊद में कजा रोजा चल जाता है। 3 रोजे रखना है, चाहे सुन्नत रखो, चाहे मन्नत के रखो, चाहे कजा के रखो। जनाब दाऊद की वालिदा जिनका नाम फातिमा, हसन मुसन्ना की पहली बीवी का नाम भी फातिमा है, फातिमा कुबरा, दूसरी बीवी का नाम भी फातिमा, जैसे खुद हसन मुसन्ना का अपना नाम भी हसन है, उनके बाबा का नाम भी हसन। खैर चली गई और 13, 14, 15 की रात को अमल पूरा हो गया। अब इसके बाद घर में है कि देखे क्या नतीजा निकलता। एक हफ्ता हुआ हो, एक मर्तबा देखा मेरा बेटा दाऊद घोड़े दौड़ाता हुआ मदीने में दाखिल हुआ, महल्ले बनी हाशिम में आया, मां के गले लगा, मादरे ग्रामी में रहा होगा। मां बहुत परेशान, बेटा ये हुआ कैसे? कहा कि इधर 15 तारीख खत्म हुई, शबे 16 आई और मैं अपनी हालत में जारो कतार रो रहा था, हथकड़ी और बेड़ी है और मैं जेल में पड़ा हूं और रोजाना देख रहा हूं कि मेरे जो साथी 2 आज गए 3 आज गए 5 आज गए वापिस कोई नहीं आता, कोई मारा गया, कोई दीवार में चुन दिया गया, किसी का खून लिया गया और मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि कब मेरी बारी आती। 15 का दिन खत्म होता है रजब की, 16 की रात आई, आधी रात का वक्त और मैं गुनूदगी के आलम में हूं कि एक मर्तबा मैंने देखा मेरे चारों तरफ मजमा आ गए, घबरा के मैंने आंख खोली, कौन आए, मुझे ले जाने वाले तो नहीं आए? देखा कि नहीं, कुछ ऐसे चमकते हुए चेहरे थे कि मेरे दिल ने गवाही दी कि तो मेरे बुजुर्ग लग रहे हैं और उनमें जो सबसे ज्यादा शान और शौकत वाले, मेरा दिल पता नहीं क्यों कह रहा था कि ये तो मुझे अपने जद रसूलुल्लाह लग रहे हैं। वो आ गया, उन्होंने तारुफ नहीं कराया, आ गया, अपने हाथों से मेरी हथकड़ी और बेड़ी खोली, 10,000 दिरहम एक थैली में मुझे दी और कहा ये तेरी ज्यादे राह के लिए, कहा जा तेरी मां ने आज एक ऐसा अमल मुकम्मल किया कि उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हें रिहा करवाए, और इत्मीनान से जा, जब तू यहां से गायब होगा तब तेरी तलाश में कोई नहीं निकलेगा, पूरे इत्मीनान के साथ जा। मादर गरम मेरे जद ने अपने हाथों से मेरी हथकड़ी और बेड़ी खोलकर, रास्ते की परेशानियां भी ना हो, कहा बगदाद कहा मदीना, 10,000 ज्यादा राह दिया। यह अमल उम्मे दाऊद इसके बाद उलमाए कराम में इतना मकबूल बना कि सैयद इब्ने ताऊस जिनकी किताब इकबाल का हवाला मफाती में सैकड़ों जगह, फरमाते कि आज तक मैंने कोई मां ऐसी नहीं पाई जिसने अपनी औलाद के किसी भी मसले के लिए यह अमल किया और बराह रास्त उसको मदद रसूल ना मिली। इब्ने ताऊस जैसा मोहतात फकीर कह रहा एक मां मुझे ऐसी नहीं मिली। चुनाचे आज औलाद की परेशानी जिनके घरों में, जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे घर में परेशानी नहीं होती तो हमें दूसरे की परेशानी की फिक्र भी नहीं होती, लेकिन जिनके घर में परेशानी, ये कैसा अमल कि एक ही हफ्ता है, आइंदा 15 रजब आ जाती तो फायदा ना होता। इसलिए इसी पर मैं बात को खत्म करता हूँ। برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله